एपिसोड नंबर 397 397। भगवान शंकर के शाप के कारण शूद्र कुल में जन्मे काकभुशुंडी को हजार योनियों में जन्म ग्रहण करना पड़ा। अंतिम बार वे ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए और इसी जन्म में उन्हें श्री राम के अनन्य भक्त होने का सुअवसर और गौरव प्राप्त हुआ। उन्हीं दिनों सुमेरु पर्वत पर लोमश ऋषि वटवृक्ष के नीचे बैठे प्रभु भक्ति और उपासना किया करते थे। काकभुशुंडी जो अब ब्राह्मण कुलवंशी थे लोमश ऋषि के पास पहुंचे और उनसे सगुणोपासना का मूल मंत्र देने की प्रार्थना की ताकि अयोध्या जाकर स्वयं अपनी आंखों से श्री राम का धाम देखकर अपना जीवन सफल करें। किंतु लोमश ऋषि ने सगुण मत का खंडन करते हुए निर्गुण ब्रह्म का निरूपण आरंभ कर दिया। उत्तर में ब्राह्मण ने सगुण मत का निरूपण किया और अपने मत के प्रतिपादन में वे ऋषिवर से वाद विवाद पर उतर आए। इनकी हठधर्मिता से लोमश ऋषि को क्रोध हुआया और इनकी टाएं टाएं सुनकर उन्होंने इनको चांडाल पक्षी अर्थात कौवा हो जाने का शाप दे दिया। ब्राह्मण ने नतमस्तक होकर ऋषिवर का शाप स्वीकारा और कौवा होकर सहर्ष वहां से उड़ चले। ऋषि के प्रति इनके मन में कोई दुर्भाव उत्पन्न नहीं हुआ क्योंकि ये जानते थे कि सभी क्रियाओं के मूल में रघुनाथ जी की प्रेरणा होती है। अब हूं की दुख सब कर ही तताके देही की दरिद्र परस मनी जाके पर द्रोही की हो ही निशंका कामी पुनि की रह ही अकलंका वंश की रह द्विज अनहित कीन्हे कर्म की हो ही स्वरूप ही चीन्हे काहू सुमति की खल संग जामी सुभगति पाव की परत्रियगामी। भव की परही परमात्मा बिंदक सुखी की हो ही कबहू हरि निंदक राजु की रही नीति बिनु जाने अघ की रही हरि चरित बखाने। पावन जस की पुण्य बिनु जस की पावई कोई लाभ की किछु हरि भगति समाना जेहि गावही श्रुति संत पुराना हानि की जग हि सम किछु भाई भजियन राम ही नर तनु पाई अघ की पिसुनता सम कछुआना धर्म की दया सरिस हरि जाना। एही विधि अमिति जुगुति मन गुनऊ मुनि उपदेश न सादर सुनऊ पुनि पुनि सगुन पक्ष में रोपा तब मुनि बोले
वचन सकोपा। मूढ़ परम सिख देउन मानसी, उत्तर प्रति उत्तर बहुआनसी। सत्य वचन विश्वास न करही, बायस इव सबही ते डरही। सठ स्वपच्छ तव हृदय बिसारा, सपदि होहि पच्छी चंडाला। लीन शाप में शीस चढ़ाई, नहीं कछु भय न दीन काई। तुरत भयउ मैं काग तब, पुनि मुनि पद सिरु नाई। सुमिरि राम रघुबंसमनि, हरषित चले उड़ाई। जे राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध। निज प्रभु मय देखहिं जगत, केहि सन करहिं विरोध। खगेश नहीं कछु ऋषि दूषण, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। कृपा सिंधु मुनि मति करी भोरी, लीनी प्रेम परीक्षा मोरी। बच क्रम मोहि निज जन जाना, मुनि मति पुनि फेरी भगवाना। ऋषि मम महत सीलता देखी, राम चरण विश्वास बिसेखी। अति विस्मय पुनि पुनि पछिताई, सादर मुनि मोहि दीन बुलाई। मम परितोष विधि विधि कीन्हा, हर्षित राम मंत्र तब दीन्हा। रूप राम कर ध्याना, कहे मोहि मुनि कृपा निधाना। सुंदर सुखद मोहि अति भावा, सो प्रथम ही मैं तुम्ही सुनावा। मुनि मोहि कछु ककाल तह राखा, राम चरित मानस तब आखा। सादर मोहि यह कथा सुनाई, पुनि बोले मुनि गिरा सुहाई। चरित सर गुप्त सुहावा, शंभु प्रसाद तात मैं पावा। तो
ही निज भगत राम कर जानी, ताते मैं सब कहे हूँ बखानी।